हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये उलेन ब्लाउज का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसको देखिए, मैंने दो कलर में बनाया हुआ है, पिंक और ब्लैक कलर में। कितनी खूबसूरत ये लग रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट आज आप लोग को बताऊँगी कि ये कैसे बनेंगे। सेम दो पार्ट एक ही जैसे बनेंगे, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजी है और बहुत प्यारा है। इसके पहले मैंने आप लोग को ये बॉर्डर बनाना बता ही दिया है। अब इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ कि आपने इसको कितना फंदा लिया है मैंने इसमें, और कितना आपने लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 160 फंदे लिए हैं। टोटल 160 फंदे लेने के बाद ये मैंने कितनी बॉर्डर बुनी है। बॉर्डर वाली ये सेम डिजाइन फ्रेंड्स मैंने पूरे ब्लाउज में डालना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी सिंपल और कोई अदर डिजाइन नहीं डाला है। ये टोटल हमने देखिए, आपने इंची टेप लेना है उसकी सहायता से देखिए। और ये डिज़ाइन काफ़ी देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेचबल होता है, क्योंकि गार्टर स्टिच से जो भी डिज़ाइन बनती है वो काफ़ी स्ट्रेचबल होती है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 6.5 इंच या 7 इंच के लगभग खींचने के बाद, 7 इंच या 6.5 इंच हमने ये बनाया हुआ है बॉर्डर से लेके यहाँ तक। इसका कोई बॉर्डर नहीं है, आप जितना भी बना रहे हैं 7 इंच आपका होना चाहिए। आप या तो बॉर्डर 3 इंच का रखिए, 4 इंच सिंपल कोई डिजाइन डाल दीजिए वैसे बना सकते हैं, या तो आप ऐसे बनाइए। तो टोटल 7 इंच, ये 32 से 34 नंबर का मेजरमेंट मैं बता रही हूँ आप लोग को। 7 इंच बनाने के बाद फ्रेंड्स सिंपल देखिए, मैंने अभी कहीं घटाया बढ़ाया नहीं है। 7 इंच बनाने के बाद 45 फंदे एक साइड रखने हैं हमने। देखिए 45 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिया है, और 45 फंदे एक साइड रखने, सेंटर के फंदे हमने सारे क्लोज करने हैं। तो चलिए, पहले 45 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं। तो देखिए, हम काउंट करते हैं, 45 फंदे हैं यहाँ पे। 45 फंदे हमने इस सिलाई पे ले लिया है, और अब फंदे को हम बंद करेंगे। सेंटर में फंदे को हम 45 फंदे इस साइड छोड़ के, सेंटर में जितने भी फंदे हैं उनको हम क्लोज करते हैं। तो फंदे बंद करना, देखिए यहाँ पे दो फंदों का एक साथ हम बनाएंगे, और मैंने ये बड़ी सिलाई ली है, ये देखिए 10 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली हुई है। फिर देखिए, जब आप फंदे क्लोज करेंगे फ्रेंड, तो लूज फंदे आपने करना है, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर आस्तीन का फंदा निकल रहा है। ये दोनों साइड का एक साथ बुना जाता है, ये ब्लाउज आगे का और पीछे का पार्ट एक साथ बुना जाएगा, बहुत जल्दी भी होता है। तो चलिए, हम सेंटर में 45 फंदे यहाँ का छोड़ के और सारे फंदे को हम बंद कर लेते हैं। ढीले ढीले आपने फंदे को घटाना है, ताकि ये स्ट्रेचबल रहे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये सेंटर में सारे फंदे को घटा लिया है, 45 फंदे इधर, 45 फंदे इधर। सेंटर में जितने भी थे हमारे, 60-65 जितने भी फंदे थे, उसको मैंने कम कर लिया। सिर्फ आपने इतना केयर करना है, 45 इधर रखना, 45। अब देखिए, इसका सेव आप लोग को समझ में आएगा। ये आगे पीछे का दोनों पार्ट एक साथ चलता है, देखिए ये देखिए, आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे आस्तीन की कटिंग है, यानी बाजू की ये कटाई है मुड्ढे की, और ये हमारा देखिए ऐसे आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, एक पार्ट को यहीं पे छोड़ेंगे। अब एक पार्ट हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम पिंक कलर लगाएंगे यहाँ पे, देखिए फिर से पिंक कलर लगा के 3 इंच बुनाई करनी है हमने। यही वाली डिजाइन हमने फिर से बनाना है, यही वाली डिजाइन हमने रिपीट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है डिजाइन। तो यहाँ पे हम नॉट लगा लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नॉट लगाते हैं या जोड़ के ऐसे, लेकिन मैं नॉट लगाती हूँ फ्रेंड्स, इससे हमारे ये क्या होती है, धागे पक्के हो जाते हैं। तो अब आपने देखिए, यहाँ पे हम पिंक कलर लगाएंगे। इस पार्ट को अभी हम छोड़ देंगे, इसको अभी हमने निट नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे। अभी एक साइड का हम पहले 2 से 3 इंच हम बुनेंगे, 2 से 3 इंच यानी जितना हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो यही वाले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 2-2 इंच बुनकर कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड। सेंटर में जो हमने फंदे सारे घटाए थे, क्लोज किया था, वो
सेंटर में इतना यहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इस साइड का फंदा लेके पहले बना लिया था, दो से तीन इंच, और इस साइड का ये मेजरमेंट 32 से 34 नंबर के लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको मैंने कैसे मेज़र किया है। सबसे इजी तरीका है ये, देखिए मैंने आप लोग को कहा था काफ़ी स्ट्रेचबल भी होता है, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की, देखिए अगर आप 34 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच का यहाँ पे निटिंग करें घटाने के बाद। टोटल इसकी देखिए लेंथ है, सॉरी टोटल इसकी चौड़ाई आएगी यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचबल है, 8.5 इंच देखिए। अगर ये 8.5 इंच है, नॉर्मल मैं ऐसे पकड़ के कर रही हूँ, 8.5 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है देखिए। अब ये अब आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये कैसे बन रहा है। तो ये देखिए अभी आपने एक पार्ट सेम ऐसे और बनाना है, एक पार्ट हमारा बन गया, एक पार्ट और बनेगा। तो ये हमारा आर्म होल है, ये आगे की साइड एक और सेम ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे ये डोरी लगेगी, नीचे की साइड भी इसका बन के आएगा ऐसे ही। हमने कंगूरे वाला बॉर्डर बनाना है, आप कोई भी बॉर्डर नीचे बना सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं, देखिए कितनी खूबसूरत है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।